नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है तो इसकी शुरुआत हम करते हैं लास्ट ईयर दिसंबर एट 2021 उस दिन क्या हुआ था उस दिन हमें एक सूचना मिली थी कि इंडियन एयरफोर्स का एक एम आई सेवेंटीन जो हेलीकॉप्टर था उसमें हमारे सी जनरल रावत और अन्य कई जवान थे उनका एक क्रैश के अंदर उन सबकी मृत्यु हो गई थी और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा इंसिडेंट था और इसकी वजह से हमने अपने इतने पहले सी को खो दिया और साथ में ही तेरह बेहतरीन जवान भी हमने खो दिए और पूरे देश में एक दुख की लहर थी उस समय और सब लोग किसी न किसी तरीके से अपने सीडीएस को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे और दुख व्यक्त कर रहे थे लेकिन इसी समय पर कुछ इस तरह के लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम का मजाक भी उड़ा रहे थे और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग कोई दूसरे देश के नहीं थे या कोई और नहीं थे ये हमारी सेना के ही कुछ ऑफिसर्स थे तो ये लोग क्या कर रहे थे ये सीडीएस रावत के बारे में हंसी मजाक उड़ा रहे थे कोई कुछ कह रहा था कोई उनकी मृत्यु से पहले ही उनको रेस्ट इन पीस बोल रहा था कोई कह रहा था कि रोल ख़त्म खेल ख़त्म जय हिंद और uh, कोई कह रहा था कि कर्मा हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल सो so, कहीं ना कहीं यह लोग uh, हमारे जनरल रावत सीडीएस जनरल रावत के बारे में इतना भला बुरा बोल रहे थे और इसकी वजह से लोगों के मन में एक विचार uh, आना स्टार्ट हो गया कि ये किस तरह के लोग हैं जो हमारी सेना के ही हैं लेकिन uh, सेना के सर्वोच्च पद पर जो एक व्यक्ति है जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ भी आप लोग जाके बोल रहे हैं श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है लेकिन आप उसके खिलाफ जाके क्यों बोल रहे हैं तो उस समय लोगों ने प्रश्न पूछना स्टार्ट किया कि ये किस तरह के लोग हैं क्या लोग हैं तो इन इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं या वेटरन्स हैं इनको इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग चंडीगढ़ लॉबी तो मुझे भी कई लोगों ने बोला कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएँ या इसके बारे में लिखिए तो इसके बारे में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसके बारे में मैंने अपने फ़ेसबुक में पोस्ट पे भी किया है लिखा है वो आप लोग देख सकते हैं मैं लिंक डाल दूंगा लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर चंडीगढ़ लॉबी है क्या तो देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी शहर के अगेंस्ट नहीं हूँ अब इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है तो दिया हुआ है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता तो मैं तो यही मान के चलूँगा कि इस शहर का नाम इससे नहीं जोड़ना चाहिए बट फॉर नाउ इसको हम चंडीगढ़ लॉबी बोल देते हैं तो यह एक एक ग्रुप है जो सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं इसमें वेटरन्स भी हैं और इन लोगों का एक ग्रुप है जो जिसमें जो इन्फ्लुशियल जो लोग हैं जो इन्फ्लुशियल जो लीडर्स हैं इस ग्रुप के वो बेसिकली चंडीगढ़ या आस के इलाकों के रहने वाले हैं और इसी वजह से उनको चंडीगढ़ लॉबी बोला जाता है दूसरी बात यह है कि ये ये जो लोग जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे ये बड़े ही हुआ करते थे तो आर्मी के अंदर जितने भी आपके डिसीजंस होते थे इम्पॉर्टेंट तो उनमें कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्वॉलमेंट रहा करता था अब आर्मी के अंदर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपका एक तो आपके प्रोक्योरमेंट होता है आपके वेपन्स सिस्टम्स जो होते हैं आप उनको प्रोक्योर कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे वेंडर कौन होगा प्राइसिंग क्या रहेगी एटसेकट्रा एट एटसेट्रा तो यह जो लॉबी के जो ऑफिसर्स हुआ करते हैं हुआ करते थे पहले भी और अभी भी हैं तो वो कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोक्योरमेंट में उनका काफ़ी अच्छा खासा होल्ड हुआ करता था और साथ ही साथ इन लोगों का कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छा एक एक तरह का एक रिलेशन मान लीजिए या एक अनऑफिशियल अलाइंस सॉर्ट ऑफ आप कह दीजिए तो वो हुआ करता था अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी कोई इशू होता है जैसे सपोज चाइना के साथ में एल पे हमारा इशू चल रहा था उससे पहले डोकलाम में भी चाइना के साथ में हम लोगों का काइंड ऑफ स्कर्म हुई थी अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत उठा पटक चलती रहती है ऐसी पाकिस्तान के साथ में हमारा चलता ही है बालाकोट स्ट्राइक हुई फिर देन उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई तो आप देखेंगे जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं ना तो एक स्पेसिफिक कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं वो एज ए डिफेंस एक्सपर्ट भी काम करते हैं आजकल कई थिंक टैंक्स में वो लोग हैं इसके अलावा वो लोग लो लो वेबसाइट्स पर भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं विदेशी वेबसाइट्स पर भी करते हैं तो इस तरह के डिसीजंस पे या इस तरह की चीज़ों पे हमेशा वो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं चाहे एल का इश्यू हो तो एल पे जब इतनी हर इतनी घटनाएं चल रही थी उस समय अगर आप देखेंगे तो एक हमारे कर्नल थे तो वो रोज़ाना ही उनका कुछ ना कुछ उनके आर्टिकल्स आ जाते थे किसी न किसी वेबसाइट पर और कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते थे कि भाई चाइना इतने अंदर तक घुस गया है एक हज़ार किलोमीटर तक आ गया है और आ, कभी वो कहते थे कि इंडियन आर्मी कैपेबल नहीं है चाइना के प्रो प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए जैसे एक हमारे प्रवीण साहनी जी हैं ठीक है तो वो इस तरह की बात करते रहते हैं मतलब मनोबल तोड़ने वाली बातें इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो आ, बेसिक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना अब अगर मान लीजिए हथियार हम लोग भारत में ही बनाने लग गए तो उससे नुकसान किसका होगा उससे नुकसान उन लोगों का होगा जो हथियार इंपोर्ट करने पे जिनको किसी ना किसी लेवल पर कट मिलता होगा कमीशन मिलता होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव से खुश नहीं होंगे तो ये लोग क्या करते हैं जब भी कभी आ, इंडिया का कोई भी कोई कोई नय, नया नया प्रोडक्ट बनता है मान लीजिए तेजस के लिए हम कोई डील कर रहे हैं या तेजस हमने कोई नया टेट बी बना रहे हैं या फिर हम तेजस एम के टू की बात कर रहे हैं तो ये लोग चुपके से अपने आर्टिकल्स डाल देते हैं और उसमें ये लोग क्या करते हैं उस हमारे जेट का दूसरे जेट्स के साथ में कंपैरिजन होगा और कहीं ना कहीं उसको इन्फीरियर दिखाते हैं सेम चीज़ ये लोग बाकी प्रोडक्ट्स में भी करते हैं चाहे कोई टैंक की बात करें हम लोग या हम कोई जो हमारे होविज़र गन्स हम लोगों ने बनाई हैं इंडिया में उनकी बात करें तो ये उनको काफ़ी इन्फीरियर दिखाते हैं विदेशी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में या फिर गवर्नमेंट के कोई नीतिगत निर्णय है कोई डिसीजनस हैं इस तरह के सपोज uh, आपका ओ आर ओ पी था वन रैंक वन पेंशन था या आपकी सी डी एस की पोजिशन जब क्रिएट uh, की थी वो डिसीजन हो चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिओर्गनाइजेशन करना हो या फिर आपकी आम इंपोर्ट पॉलिसी जो हम लोग चेंज कर रहे हैं बिकॉज उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट उसमें uh, हर कुछ महीनों बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स uh, को कुछ प्रोडक्ट्स को वो लोग रिस्ट्रिक्ट लिस्ट में डाल देते हैं मतलब उसका हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली इंडियन मेड बनेंगे आगे से ऐसी कोई पॉलिसी हो या फिर आपकी इमरजेंसी इक्विजीशन पावर दी जाए आर्मी को जो दी जाती है तो जब भी इस तरह के डिसीजन्स लिए जाते हैं या फिर अभी रिसेंट जो अग्निवीर था ठीक है तो जब भी इस तरह के पॉलिसी बेस्ड डिसीजन्स लिए जाते हैं तो ये एक लॉबी है जो हमेशा इनके अगेंस्ट में खड़ी होती है ये हमेशा इस तरीके से दिखाएंगे कि आप कि इस आप, आप डिसीजन से आपकी आर्मी की जो एक परंपरा है वो ख़राब हो जाएगी या आर्मी का मोरल डाउन हो जाएगा या फिर और भी मतलब पचासों तरह के इनके पास बहाने होते हैं तो ये यह एक लॉबी है तो मैं इनके कुछ आ, कुछ जो ख़ास जो इनके प्यादे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा जैसे आपके लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग हैं गुल पनाग के पिता हैं ऐसे ही आपके विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं देन आपके कर्नल बलजीत बख्शी हैं एक आपके कर्नल ये जो है आपके प्रवीण साहनी तो हैं ही हैं ठीक है इस तरह के और भी कई लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने पॉइंट्स रखे रहते हैं और इंडियन आर्मी को इन्फीरियर दिखाते रहते हैं देखिए अगर कोई पॉलिसी बेस्ड इशू है आप पॉइंट्स को रखिए आप उसके मेरिट्स और डी को आप डिस्कस कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना दैट इज़ ओके नो इश्यूज़ लेकिन आप जब अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं आप अपने सी तक की आप इज्जत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में फिर आपसे क्या कोई सहानुभूति रखेगा अगर इनकी हम बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारे आ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वी के सिंह उन्होंने सबसे पहले इस लॉबी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया था उन्होंने एक कोवर्ट यूनिट बनाई थी टीएसडी लेकिन यह चंडीगढ़ लॉबी थी जिन्होंने उस टीएसडी यूनिट को डिसमेंटल कराने में बहुत बड़ा सहयोग किया था और ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की बात है तो यह जो यूनिट थी ये कावर्ट uh, ऑपरेशन किया करती थी एल और एल के की आर पार जाकर लेकिन uh, यही जो है uh, इस इस uh, लॉबी ने ही वो सारा चीज़ बंद कराई वो यूनिट बंद करवाई जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक इंडिया का जो इंट, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो अंधेरे में रहा और इंडिया में आराम से घुसपैठ की घटनाएं होती थी आतंकवादी घटनाएं होती रहा करती थी आ, इसी तरीके से अगर आपको याद होगा एक लेफ्टिनेंट जनरल तिजेंदर सिंह थे जिन्होंने जनरल वी सिंह को ब्राइब दी थी ब्राइब का ऑफ़र दिया था चौदह करोड़ रुपये की उन्होंने ब्राइब का ऑफ़र दिया था और जनरल वी सिंह ने उसको रिजेक्ट किया था और उन्होंने सीधा सीधा इस खबर को डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय ए के एंटनी उनको जाके बताया था लेकिन क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल तजेंद्र सिंह के कांग्रेस लीडरशिप के साथ में क्लोज कनेक्शंस थे इसलिए उनका साथ में कुछ भी नहीं हुआ वहीं दूसरी ओर जो जनरल वी के सिंह थी उनके पीछे एक तरह से पूरा जो आपका सिस्टम था वो लग गया था और एक ये शेखर गुप्ता है उन्होंने उस समय एक न्यूज़ चलाई थी कि इंडियन आर्मी एक तख्ता पलट करने वाली है और इंडियन आर्मी की कुछ ब्रिगेड्स या कुछ रेजिमेंट्स वगैरह डेली मूव कर रही हैं इस तरह से उन्होंने एक फर्ज़ी न्यूज़ भी चलाई थी और बाद में फिर जनरल बी सिंह का बर्थडे का बर्थ डेट जो थी उसका बड़ा इशू चला था इसी की तरह इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ब्रह्मोस के जो चीफ़ थे फॉर्मर चीफ मिस्टर ए सेवाथानु पिल्लई उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम है द पाथ अनएक्सप्लोर्ड तो उस बुक के अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरीके से कुछ आर्मी कमांडर्स ने को ये ये प्रयास किया था कि ब्रह्मोस जो क्रूज़ मिसाइल इंडिया बना रहा था उसको कही न कहीं ना कहीं सेबोटाइज किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशन को कहीं लीक किया जाए या फिर आ, किसी तरीके से उसको डिले किया जाए सो so दैट इंडिया आ, इंडिया के पास में वो एडवांटेज ना रह पाए जो अभी है बिकॉज ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है इस समय और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो दोनों के ही पास इस मिसाइल का इस समय कोई जवाब नहीं है तो आप खुद सोचिए वो लोग क्या देश प्रेमी होंगे जो इस तरह की हमारी मिसाइल के डेवलपमेंट को डिले करना चाहेंगे ऑब्वियसली नहीं और अभी आप पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कोई एल पे या एल पे कोई भी झड़प होती है हल्की फुल्की सी तो ऑल ऑफ ओवर सडन मीडिया के अंदर डिफेंस एक्सपर्ट्स निकल के आ जाते हैं मतलब कुकुर मुद्दे की तरह ये लोग निकल कर आ जाते हैं और वो इंडिया की जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखते हैं अगर इंडिया चाइना के अगेंस्ट मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है अगर चाइना अपने सैनिक बैठा रहा है तो इंडिया भी बैठाएगा लेकिन ये लोग क्या करते हैं यह है Uh, हमारे आर्टिकल्स uh, में लिखते हैं कि uh, इंडिया की जो पॉलिसी है वो गलत है इसकी वजह से चाइना प्रोवोक हो जाएगा अरे प्रोवोक कहाँ से होगा यार प्रोवोक तो वो ऑलरेडी वो हमको कर रहे हैं हमको थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो ऑलरेडी हम तो ओनली रिटेलिएट कर रहे हैं इसी तरीके से जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग हैं वो ओपनली बोल चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आपका एफ एस पी ए जो 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 कानून है वो हटाना चाहिए और जो आर्म फोर्सेज हैं उनको वापस बैरक्स में भेज देना चाहिए अब आप बताइए इस तरह का जो इस तरह के अगर कोई बयान देता है उसको आप किस उसको आप क्या मानेंगे कहीं ना कहीं वो इंडिया के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं ना ठीक है अब इसी तरीके से आपके प्रवीण साहनी हैं वो प्रो चाइनीज़ आर्टिकल्स लिखते हैं वो चाइना का जो प्रोपेगंडा होता है देखिए इसको आप समझिए इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना पड़ता है कि चाइना बॉर्डर पे कुछ कर रहा है इंडिया उसका जवाब दे रहा है ठीक है अब इंडिया के अखबार में कोई न्यूज़ छपती है और वो न्यूज़ कोई इंडिया का एक्स आर्मी ऑफिसर लिख रहा है उस, उस आर्टिकल को तो कोई भी इंसान अगर उसको पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार इसने लिखा है तो कहीं ना कहीं अगर इसने कुछ गलतियां बताई हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सही कह रहा है बिकॉज़ ही इज़ ए वेटरन ही इज़ ए सर्विंग ऑफिसर या था पहले या अभी वेटरन है तो कहीं ना कहीं पर क्रेडिबिलिटी मिलती है उनकी आर्टिकल्स को उनके आर्मी बैकग्राउंड की वजह से और उसकी वजह से लोग या तो नेगेटिव हो जाते हैं या फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं उनको लगता है कि यार सही चीज़ क्या है गवर्नमेंट बता रही वो चीज़ सही है आर्मी जो बता रही वो चीज़ सही है फिर ये जो बंदा बता रहा है वो चीज़ सही है अब इन्होंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था कि चाइना इंडिया के अंदर इंकर्जन कर चुका है ऑलमोस्ट थाउजेंड किलोमीटर्स ठीक है उसी के ऊपर राहुल गांधी ने बोल दिया था और वही चीज़ फिर चलती रही चलती रही उस पर फिर आप जानते हैं किस तरह का प्रोपेगंडा चलता है कि भाई छप्पन इंच की छाती वगैरह 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 तो ये इस तरह की एक लॉबी है अब आप एच एस पनाग की अगर बात करें तो ये कभी भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है या कभी भी कोई इंडियन कोई एग्रेसिव एक्शन लेता है अपने दुश्मनों के अगेंस्ट तो ये हमेशा कुछ ऐसा एस, लिखते हैं उस टाइम पे कि गवर्नमेंट की इस समय कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट इस समय पॉपुलर नहीं है इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ठीक है चाहे बालाकोट हो चाहे आपका पहले की सर्जिकल स्ट्राइक्स हो ये हमेशा उस टाइम पे इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं पॉलिटिकल माइलेज से जोड़ते हैं कि हमने ये अटैक इसलिए किया बिकॉज मोदी के पास अब कुछ है नहीं तो वो अटैक करके वोट लेंगे इसके इसके मतलब इसका यूज़ करके इसका मिस करके तो ये बड़ी अजीब सी बात है इनकी और ये लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ही थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ, आ, तख्ता पलट की एक तरह से सजेशन दिया था इनके एक कोई प्रशंसक थे राहुल शर्मा जी उन्होंने एक ट्वीट किया इनको उन्होंने लिखा कि अगर मोदी वापस से रियलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमें उस समय कोई क्रांति करनी पड़ेगी उन्हें हटाने के लिए या कोई तख्ता पलट करना पड़ेगा तो जनरल प्रहलाद उसका रिप्लाई देते हैं इनकलाब इससे आपको क्या समझ में आता है इससे तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ जी इनकी तरफ से तो डन है अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो ये इनकलाब करेंगे बिल्कुल तो देखिए सिंपल सी बात है चंडीगढ़ लॉबी जो है ये है ग्रुप ऑफ of ऑफिसर्स है जो लोग इन्फ्लुनशियल पोजीशंस पर रहे हैं ऑल थ्रू देयर लाइफ और ये अभी भी चाहते हैं कि इनका दबदबा बना रहे लेकिन दुर्भाग्य इनका कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की है प्लस हमारे जो अभी रिसेंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं चाहे सी रहे हैं वो सारे इस तरह के ऑफिसर्स रहे हैं जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और वही चीज़ उन्होंने की भी उन्होंने भ्रष्टाचार करने भी नहीं दिया किसी को जैसे अगर हम सीडीएस जनरल रावत की बात करें तो वो एकदम बिल्कुल बेदाग छवि थी उनकी और उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोसेस था उसको अच्छी तरीके से असीमलेट किया डिफेंस सर्विसेज़ के लिए और धीरे धीरे इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वहीं हम जो अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम लोकली सोर्स कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ लॉबी उन चीज़ों से खुश नहीं है बिकॉज़ उनकी कमाई का एक साधन बंद हो गया है तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखिए हम किसी भी चीज़ को किसी भी इंडिया के अंदर कुछ भी होता है तो हम पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं हम चाइना को ब्लेम कर देते हैं लेकिन सबसे मुश्किल होता है कि आप अपनी खुद की कमियों को देखें तो मैं मान के चलता हूँ कि जो चंडीगढ़ लॉबी है कहीं ना कहीं ये देश में रहकर देश के अगेंस्ट काम कर रही है हमें इस तरह के तत्वों को देखना पड़ेगा उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा टाइम बाय टाइम और साथ ही साथ हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यह जो लोग नैरेटिव चलाते हैं उसको काउंटर करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो चीज़ एक एक्स वेटरन एक्स आर्मी ऑफिसर अगर कोई चीज़ लिख रहा है तो क्योंकि उसका एसोसिएशन आर्मी के नाम से है तो उसकी बात को क्रेडिबिलिटी मिलती है आप उस पर डायरेक्टली अटैक भी नहीं कर सकते ठीक है अगर मैं डायरेक्टली उन पर अटैक करूँगा जाके तो लोग कहेंगे कि भाई हु आर यू तुम्हारी क्या औकात है ये तो आर्मी ऑफिसर्स हैं बात ठीक है लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये आर्मी ऑफिसर्स हैं ये वे, ये वेटरन है लेकिन इनकी अभी अभी ये जो काम कर रहे हैं अभी ये जो नैरेटिव बना रहे हैं वो देश के लिए सही है या नहीं है अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए आपको इनकी जो हरकतें हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए आपको ये भी समझना चाहिए कि ये लोग दुखी क्यों हैं आपको यह भी समझना चाहिए कि यह लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि इंडिया पहले से ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो ऐसे में कोई भी देश डायरेक्टली तो हम पे हमला करेगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो स्लीपर सेल्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे तो जो आपकी जो चंडीगढ़ लॉबी है कहीं ना कहीं हमारे देश के दुश्मनों के लिए एक स्लीपर सेल का काम करती हैं तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि हमें इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए आ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए सभी को समझाइए और आई होप ये इस तरह के वीडियोस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन मैटर्स को लेके उसको बढ़ाएंगे थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए फिर से मिलते हैं थैंक यू